हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खाना हिंदुस्तानी। तो आइए आज हम मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे और वो भी बिना व्हिपिंग क्रीम के। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रीमी और स्मूथ ये बनके तैयार होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 kg मिल्क ले लिया था दूध, और इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें बॉयल आ गया है तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। और इसके आगे का प्रोसेस मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 1/2 cup दूध, और इसमें हम डाल देंगे 3 tablespoons मैदा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो इसके इंटरनेट पे आप ले सकते हैं कॉर्नफ्लावर, ये कॉर्नफ्लावर है, ये ले सकते हैं 3 tablespoons। और अगर आपके पास ये नहीं है तो मैदा ले लीजिए, जो आपका दिल करे आप वो डाल दीजिए, दोनों का एक ही टेस्ट रहेगा। तो आज मैं इसमें मैदा ही डालूँगी। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे जल्दी जल्दी, इसमें किसी भी तरह का कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए कोई लम्स नहीं है इसके अंदर। अब तो अब हम इसे दूध में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन इससे पहले हम मलाई को चारों तरफ से एक जगह कर लेंगे ताकि इसमें कोई लेयर वगैरह ना आए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर यानी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये मैं 4 tablespoons ले रही हूँ चीनी शुगर। और अगर आपके आम ज़्यादा मीठे नहीं हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी, शुगर की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ये मैदा और मिल्क डाल देंगे जो अभी हमने तैयार करके रखा था, इसे डाल देंगे और चारों तरफ से पोंछ लेंगे इसको अच्छी तरह से। ये इसमें डाल देंगे और लेकिन इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। इसे नीचे तक ले जाएंगे स्पैचुला को और लगातार हिलाते हुए इसको पका लेंगे थोड़ी देर। ये गाढ़ा हो जाना चाहिए और थोड़ी ही देर में ये देखिए और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। इसे चारों तरफ से साफ़ भी करते रहेंगे वरना ये लग जाएगा नीचे से। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है। थोड़ी देर हम इसे और पका लेंगे। तो ये अब मैंने पका लिया है, गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी मैंने, और इसको मैंने दूसरी डिश में ट्रांसफ़र कर लिया है, इसे ठंडा कर लेंगे। और ये मैंने 3 बड़े आम लिए थे, इसको मैंने कट करके रखा है। इसके बाद हम मिक्सिंग जार ले लेंगे और इसमें हम आम को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ मैंने आम को डाल दिया है इसके अंदर, इसका हम एक प्योरे बना लेंगे। और प्योरे बनाने के बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें भी डालेंगे जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले हम इसका प्योरे बना लेंगे और एक बार इसे हम दोबारा से खोलकर इसको ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से प्योरे तैयार हो जाए। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये मिल्क जो अभी हमने बॉईल करके रखा था, पकाया था, गाढ़ा कर लिया था इसको। और ये 1/2 cup मैंने ली है क्रीम, ये घर की मलाई जो होती है वो है। थोड़ा सा मिल्क डालकर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो अब ये प्योरे में हमने डाल दिया है, आइसक्रीम बनाने के लिए बैटर तैयार है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर। तो इसे हम एक बार और मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और ये मैंने बॉक्स ले लिया है जिसमें मुझे आइसक्रीम जमानी है। तो अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे स्पैचुला की मदद से बराबर कर देंगे। और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 4 घंटे के लिए, लेकिन पहले हम इसके ऊपर फाइल पेपर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर बर्फ़ नहीं जमेगी, आइस नहीं जमेगी, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। और इसका हम ढक्कन लगा देंगे और 4 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। 4 घंटे हो गए हैं तो आइए चेक कर लेते हैं। फाइल पेपर हटा देंगे, ये पूरी तरह से नहीं जमाई है हमने, सिर्फ 4 घंटे ही जमाई थी, ये देखिए इस तरह से है ये। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्सर में उसके दोबारा से डाल देंगे और इस बार हम सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट ही ग्राइंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना हमें। ये देखिए आइसक्रीम सभी डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी जमी है ये। तो एक बार और चला लेंगे हम इसे, 2 मिनट के लिए चलाएंगे। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है इसके अंदर, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रीमी और स्मूथ बनके तैयार हुई है, कोई कह नहीं सकता कि आपने मैदे से बनाई है। देख के लग रहा है ना कि जैसे व्हिपिंग क्रीम की हो। तो अब हम इसे दोबारा से ट्रांसफ़र कर देंगे और इस बार हम इसको जमाएंगे फ्रिज में 10 से 12 घंटे तक। आप चाहें तो ओवरनाइट भी जमा सकते हैं। इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, पिस्ता, बादाम और काजू डाल देंगे।
आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स कोई से भी। तो ये मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे, और अब इसमें हम दोबारा से फाइल पेपर लगा देंगे, इससे इस पे आइस बिल्कुल भी नहीं जमेगी। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके ऊपर आइस आ जाती है, बर्फ़। तो ये देखिए, ये मैंने ओवरनाइट रखा था, तो ये मैं आप दिखा देती हूँ आपको आइसक्रीम किस तरह से जमी है इसके अंदर। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार हुई है, इसके ऊपर बिल्कुल भी आइस या बर्फ़ नहीं आई है। देखिए मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी जम के तैयार हुई है। और इसे मैंने फ्रिज में से निकालने के बाद 10-15 मिनट बाहर रख लिया था ताकि ये अच्छी तरह से बाहर आ जाए। तो इसे हम प्लेट में पलट लेंगे, 15 मिनट पहले आप इसको निकाल के रख लें बाहर फ्रिज में से। ये देखिए आसानी से ये बाहर आ जाएगी, ये देखिए। और अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, तो ये मैंने कट कर दिए हैं इसके पीसेस भी, और अब मैं इसको सर्व भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी मज़ेदार है, और थोड़े से मैंगो मैं इसमें काट के रख दूँगी, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और मैंने ऊपर से डाल दिए हैं, ये दिखने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। ये देखिए हमारी मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार है, और मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा, इसलिए अब मैं खा के भी दिखाती हूँ आपको। तो ये थोड़ा सा मैं खा के देखूँगी पहले। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर आया है इसका, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बॉल में भी आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम हमारी बनके तैयार है, आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए, और आप पूरी वीडियो आसानी से देख सकते हैं।